जिला बिलासपुर में सभी स्कूल मुखिया रोजाना 5 मिनट कक्षाओं में जाकर बच्चों की काउंसलिंग करेंगे ताकि लंबे समय के बाद स्कूलों में लौटे बच्चों में परीक्षाओं को लेकर कोई दबाव ना रहे और उन्हें इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। हालांकि इस बारे में विभागीय निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन बिलासपुर के शिक्षा उपनिदेशक राजकुमार शर्मा ने अपने स्तर पर स्कूल मुखिया से इस बारे में आग्रह किया है। शिक्षा उपनिदेशक का कहना है कि काफी समय के बाद बच्चे अब स्कूलों में आने लगे हैं और इस समय बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा अलग है। बच्चे पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में या दबाव में ना आएं, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि अब परीक्षाओं के लिए बहुत कम समय रह गया है। इसलिए जिला के प्रत्येक स्कूल मुखिया से रोजाना 5 मिनट कक्षाओं में जाकर काउंसलिंग करने के लिए कहा गया है। बताते चलें कि जिला भर में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को निपटाने के लिए समीक्षा सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्कूलों के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक शिरकत कर रहे हैं। इसी दौरान शिक्षा उपनिदेशक द्वारा स्कूल मुखिया को इस बारे में कहा जा रहा है। काफी समय के बाद बच्चे अब हमारे पास स्कूलों में आने लगे हैं, तो उनके साथ हर स्कूल मुखिया, मैंने अपनी तरफ से उनसे अनुरोध किया कि 5 मिनट डेली हर क्लास में जाके बच्चों के साथ काउंसलिंग करें, क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजिकल लेवल है इस समय थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कहीं बच्चे प्रेशर में आके डिप्रेशन में आकर के कोई उनको नुकसान ना हो या परेशानी ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत कम समय रह गया है, तो उसके लेकर के भी विस्तार से चर्चा